गाड़ी खराब से चला। हाँ हाँ। और सर अजनबी से ज्यादा बात मत करना। ठीक है। और सर घर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। और सर क्या सच में लगा रखा है, हमारी बेटी बाहर काम से जा रही है, कोई जंपर नहीं? हाँ ठीक है ना, बुरे लोगों से दूर रहना और सतर्क रहना तो सिखाना ही पड़ता है। नहीं, अगर सिखाना है तो डरना और छुपना नहीं, बुराई से लड़ना सिखाओ, गलत को सही करने की हिम्मत रखना सिखाओ। जाओ और पूरे विश्वास के साथ इस जमाने की आंखों से आंखें मिलाकर आगे बढ़ना। याद रखती हूँ एंड विल स्टे विद यू। थैंक यू पापा, भी याद रखूँ। बाय पापा, बाय मम्मी। मुझे के काम से बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाओगे आप? कोई जरूरत नहीं है, रात हो गई है, घर में ही रहो। बिल्कुल, इतनी लेट बाहर जाना सही नहीं है। इतनी लेट? अब तो सिर्फ 6 ही बजे। एक तो ये जमाना इतना खराब है, ऊपर से बच्चे भी पता नहीं समझते नहीं। मैं पढ़ाई के लिए ही तो जा रही हूँ। ऐसी कौन सी पढ़ाई जो सिर्फ बाहर जाकर दोस्तों के साथ ही होती है? माँ कल स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसके मार्क्स भी है, प्लीज पक्का जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, पर लड़कों से दूर रहना और पहुंचकर फोन कर देना और कहीं दूर मत जाना और अपनी फ्रेंड का नंबर भी दे देना। माँ आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है शायद, वैशाली भी आ रही है और उसका नंबर ऑलरेडी आपके फोन में। अच्छा वैशाली भी आ रही है, फिर जाओ फटाफट काम करके आओ। सीन थी। अरे मैं सबसे पहले एवरीबॉडी आ लेट, इसको कब हुआ? ये तो हमेशा ही लेट करेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। लेट लतीफ। हाँ हाँ चल रहा हूँ, जैसे तू तो बड़ा टाइम से आता है। सॉरी यार बहुत ट्रैफिक था। तूने क्या होगा ट्रैफिक, महारानी जो है तुम नजाकत से चलती है। स्टॉप इट नाउ। वैसे हमारी आज की क्लास की टीचर तो खुद ही गायब है, टॉपर कैसे लेट हो गई? आ रही होगी। अरे पर वो तो घड़ी को दिमाग में फिट करके चलती है। होल्डी और अरविंद देखो, कांग्रेट्स तूने इंग्लिश सीख ली। हेलो टॉपर कहाँ अटक गई? आ रही है, परेशान लग रही थी आवाज से, रास्ते में ही। क्या टॉपर इतनी परेशान, वो भी तू कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? बोल यार, तू माइनस होगी तो हमारा क्या होगा? आंटी ने कुछ कहा क्या? तुम सबकी तो आदत ही है सस्पेंस में डालने की, सीधे सीधे बता मार जा क्या? एम आई डिफरेंट? व्हाट? क्या मैं तुमसे कहूँ या लगूँ? क्या मुझ में इमोशंस की कमी है? जस्ट स्पीक आउट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? पता नहीं है लड़के खुद को क्या समझते हैं, जब जो घर से कर लिया वो द हेल दे आर टू बिहेव लाइक दैट टू एनीवन। वेट अ सेकंड, किसी लड़के ने तुझे रास्ते में परेशान किया? ये तो वो नहीं था, लुक द वे हाउ आर ड्रेस्ड। भाई कौन से जमाने में जी रहे फिर भी बकवास कर रहे हैं। लुक आई हैव अ फ्रेंड हु ऑलवेज वेयर फुल ड्रेसेस बट शी इज आल्सो एनकाउंटर द सेम थिंग। Believe it or not, it has nothing to do with this. Serious, तुम्हारे दिमाग में बातें कहाँ से आ रही हैं? अकेले आते ही क्यों तुम्हें? तू क्या 24 घंटे किसी को साथ में लेके चले? Seriously, तुझे अगर अपना दोस्त कहते हैं शर्म आ रही है। She was coming to her tuition and someone has seized her and you all are talking about rubbish. What do you mean? Just because you're a male, you deserve all the freedom. Everybody here is equal. जितना तुझे है, उतना ही अब उसे भी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सॉरी यार मैंने तो वही कहा जो घर में देखता आ रहा, चाहे वो घर हो मूवी या कुछ और। You are 16, enough to think and know what you are saying. ये तो लोगों की सोच ही ऐसी है जो शुरुआत से चलती आ रही है और ये भी बस वही मान रहा है। हमारी तो आदत ही है मारने की, पूछना तो हमने कभी सीखा ही नहीं और अगर पूछो तो चुप करा देते हैं। पर लड़के ऐसा करते ही क्यों है, क्या मिलता है हमको ये सब करके? Exactly, I can say that, but I believe it's the completely his fault even. What do you mean? Take the next example. उसने भी कहा कि उसने सब कुछ घर पर देखा और सीखा, right? I don't know why, but in a society, girls have to live in foundations strictly. They are presumed to be a weaker gender. And यही अपन अपनी movies और music में भी देखते हैं। पहले ये इनको छेड़ेंगे, फिर वो चिल्लाएंगे और फिर जोरदार हीरो की एंट्री। What I mean to say is कि हम बड़े ही ऐसे हुए हैं। हमें सिखाया ही यही गया है। और हम हर जगह भी यही महसूस करते हैं। Even in our own families, is it? But we can change, and it only starts with ourselves. First, we have to change our mentality, and then of our families. You, me, we all are there. We all are equal. Just the potential differs. And situation इतनी भी बुरी नहीं है। Families are changing. They are becoming open-minded. I agree. My parents always encourage me and support me for the right. You know what? I am proud of you. क्या तुमने उसकी गाड़ी या स्कूटर का नंबर नोट किया? हाँ मैंने पढ़ लिया था। ये बहुत अच्छा किया तुमने। Now we can complain against them, as they have our laws and rights to fight back. What laws? IPC section 209, 354 and 509. Any obscene act or song.
or any assault or force, or any word or gesture to insult the modesty of a woman. And for once, if FIR is lodged, it is like a black mark on your career. You never get selected for IAS and IPS, and not for any government exams too. And you have to face a lot of problems in requiring mandatory documents like passport, license, etc. And if it is proved that you were guilty, you have to serve a minimum sentence of 1 year to jail, and there are fines too. Just the thing is that we have to speak up. Do you guys really think police will help her? Rather they will treat her like she is the cause only, and what laws? Are they really followed? ये तो तुम भी जानते हो कि उनका मोटो क्या होगा? देख, सब एक जैसे नहीं होते. They are for our help only. And जब हम साथ में हैं, तो डर किस बात का? And जो इससे पहले हमको कर रहे हैं, वो stop ignoring and start acting. हमारे ignore करने से ही इनकी हिम्मत बढ़ती है. मुझे बहुत डर लग रहा है. मम्मा हमेशा बोलती भी रहती थी. पता नहीं अब वो कुछ समझ भी पाएगी या नहीं. It's okay, but समझाना तुझे ही पड़ेगा. मुझे कोई डर नहीं. अब इनको सबक सिखाना है. इनके अगेंस्ट रिपोर्ट करवाएंगे. Guys, thank you for being with me. I'll tell you when I need. पता नहीं कभी मेरे साथ ऐसा हो जाए. मेरे माँ बाप मुझे समझ भी पाएंगे या नहीं. बस यहाँ से गुजर रही थी. सोचा आपसे मिलती भी चलूँ. माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? ऐसी किस दिन आ रही? कुछ हुआ है? माँ, पापा, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है. आज जब मैं घर से ट्यूशन जा रही थी, रास्ते में दो लड़कों ने परेशान किया. मैं सामने से बाइक पर आया तो बिल्कुल गंदे तरीके से मुझे देखने लगी. मैं आगे बढ़ी, उन्होंने मुझे धक्का दिया. मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी. मैं जोर से चिल्लाई और वो भाग गए. मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन उनकी बाइक का नंबर नोट किया. तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ. बेटा कहीं जाते ही क्यों हो? और हमारे घर की लड़की को ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता. आजकल न्यूज में तो पढ़ते नहीं हो क्या? आए दिन ये खबरें घटती जा रही है. बुरा मन मानेगा, बट मैं भी नहीं मानती. आज अगर हम बंदिशों में रहकर बड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बच्चियाँ भी वैसे ही बड़े. जमाना बदल गया है, लड़कियाँ कोई भी पीछे नहीं है. पर जो बाहर हो रहा है और जो अपनी खुद की बेटी के साथ हुआ है, फिर भी अब यही कहेंगी? इन्हें तो हमें ही बचाना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है. आज अगर कोई गंदा होता है तो क्या हम उसे साफ नहीं करते? क्या हम उस पर रहना छोड़ देते हैं? हम उसे साफ करते हैं ना. उन लड़कों की वजह से मैं अपनी बच्ची को बांध के नहीं रख सकती. हाँ, ये हमारा फर्ज जरूरी कि उसकी सुरक्षा करें, पर उसका साथ और उसे सही सीख दें. अब आप जैसा ठीक समझे. पता है तुझे, तू मेरा भागु बच्चा है और मुझे तुझ पे गर्व है. कल सुबह होते ही हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट करवाएंगे. तू भरोसा रख, हम उन लड़कों को जेल में डरवा के ही मारेंगे. तू बिल्कुल परेशान मत होना बेटा. कभी भी कुछ भी बात नहीं, बिना डरे सीधा मुझे या तेरे पापा को आगे बढ़ जाओ. कभी भी खुद को अकेला मत समझो. लव यू मम्मी पापा. पुलिस में रिपोर्ट करवा के
अब जरा ढंग से रखा होता तो इन सब की नौबत ही ना आती। आगे आप तो चुप ही रहो, इधर उधर टाकचा करने से अच्छा है कि आप अपने घर में जा दो। अगर वैशाली की तरह ही किसी लड़की ने हिम्मत करके आपकी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो आपका जो सपना है अपने छोटे बेटी को अमेरिका भेजने का वो धरा का धरा रह जाएगा। उसका पासपोर्ट ही नहीं बन पाएगा और आपके बड़े बेटे जो IAS की पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं रहेगी। वो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सीखने समझाने की जरूरत हमसे ज्यादा आपके घर में है। देखो बड़ों से बात करने की तमीज नहीं क्या, या फिर एक ही बात मैं बार बार बोलता रहूंगा। एक बार बोल देना मुझे इस घर में कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। घर में रहो, जो चाहिए वो बोलो, ला के देंगे। जा रही हूँ मैं तो, ना जाने कैसे लोग हैं, क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को। बस बहुत हो गया, बहुत बोली आप सबने। सभी अपनी अपनी राय दे रही है दे रहे हैं, पर किसी ने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ। नहीं, वो तो जरूरी ही नहीं है, क्योंकि मैं लड़की जो इंसान थोड़ी ना हूँ। आज सबके हिसाब से तो लड़की का तो काम ही है चुप रहना, बचते रहना और फिर इस दुनिया से सहते रहना। माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे वही उम्मीद कर रहे हो जो आपने इस दुनिया में देखा और महसूस किया है, पर अब वक्त बदल रहा है और हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर एक लड़की का चरित्र उसके कपड़ों बालों या घूमने से होता है तो फिर लड़कों का क्यों नहीं, वो तो खुले आप आवारागर्दी करते हैं। पर बस अब मैं खुद को खत्म नहीं होने दूंगी। माँ पापा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आप दोनों रखते हैं, अगर आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं। बेटा आज तूने मेरी भी आदत खोल दी, मैंने कभी तेरे नजरिए से सोचने की कोशिश ही नहीं की। बेटा अब हम तेरे साथ हैं, तो कल तेरे दोस्तों के साथ रिपोर्ट लिखवाने के चलेंगे। अब मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगी। When a man is born of women, so how can he be superior and she be inferior? Only when masculine and feminine will play equal roles, then the situation will start disappearing. Remember, whoever you are and whatever situation may arise, be confident and fearless enough to put up your self-esteem. Thank you.